फाल्कन प्लस होम यूपीएस किसी भी बैटरी के साथ यूज किया जा सकता है। ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ सुकैम फाल्कन प्लस में अवेलेबल है कि आप अपने बैकअप नीड के अकॉर्डिंग बैटरी साइज को चूज कर सकते हैं। आमतौर पे अलग अलग इन्वर्टर में अलग अलग चार्जिंग करंट फिक्स्ड होती है, जैसे कि किसी इन्वर्टर में 10 एम्पियर और किसी इन्वर्टर में 12 एम्पियर फिक्स्ड होती है, और उन इन्वर्टर्स में हम छोटे एच की बैटरी नहीं लगा सकते। लेकिन हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि एच होता क्या है। एच का मतलब है एम्पियर आर, जो आपकी बैटरी कैपेसिटी का मेजरमेंट है। सरल भाषा में एच एक इंडिकेशन है कि कितनी एनर्जी हम इस बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। बैटरी में एनर्जी को स्टोर करने के लिए हमें बैटरी को एक फिक्स्ड एम्पियर से चार्ज करना होता है, जिसे हम चार्जिंग करंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपके इन्वर्टर को एक 150 एएच की बैटरी को चार्ज करनी है तो उसे 15 एम्पियर की चार्जिंग करंट की जरूरत पड़ेगी। बैटरी को कितने एम्पियर से चार्ज करनी है, इसे जानने के लिए एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, C/10, जहाँ सी का मतलब होता है बैटरी की कैपेसिटी और 10 है चार्जिंग टाइम। बैटरी की कैपेसिटी को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें इस बैटरी की चार्जिंग करंट पता चल जाती है, जो कि 15 एम्पियर होगी। आसान शब्दों में, एक बैटरी की मैक्सिमम चार्जिंग एम्पियर उसके एएच वैल्यू का 10% होता है। अगर इससे ज़्यादा एम्पियर से बैटरी चार्जिंग करेंगे तो बैटरी ओवरचार्ज होती रहेगी और कुछ ही महीनों में आपकी बैटरी खराब हो जाएगी। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, एक 150 एएच की बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें 15 एम्पियर की चार्जिंग करंट की ज़रूरत पड़ती है। एक 150 एएच की बैटरी को 15 एम्पियर से चार्ज करेंगे तो हमें 10 घंटे लगेंगे, और अगर 10 एम्पियर से चार्ज करेंगे तो बैटरी चार्जिंग थोड़ी स्लो होगी और बैटरी 15 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी। अब अगर आपकी 150 एएच की बैटरी 10 एम्पियर से डिस्चार्ज हो रही है तो वो 15 घंटे के लिए लोड को चलाएगी, और अगर 15 एम्पियर से डिस्चार्ज हो रही है तो वो 10 घंटे के लिए लोड को चलाएगी। जिन कस्टमर्स को सिर्फ 10 से 15 मिनट का बैकअप टाइम चाहिए, वो अगर बड़ी बैटरी लेते हैं तो उनके लिए बड़ी बैटरी लेना सिर्फ और सिर्फ पैसों की बर्बादी है। 10 से 15 मिनट के बैकअप टाइम के लिए आमतौर पर 30 एएच की बैटरी की ज़रूरत पड़ती है, पर नॉर्मल इन्वर्टर में 10 एम्पियर की फिक्स चार्जिंग करंट होने की वजह से उसे मजबूरन एक 100 एएच की बैटरी लेनी पड़ती है। फाल्कन प्लस के बैक पैनल पे एक डिप स्विच प्रोवाइडेड है। इस डिप स्विच में 4 अलग अलग बैटरी चार्जिंग एम्पियर की सेटिंग है, 2.5 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर और 15 एम्पियर। अगर आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट का बैकअप टाइम चाहिए तो आप एक 30 एएच की बैटरी फाल्कन प्लस के साथ आसानी से लगा सकते हैं। इसके लिए आपको मैक्सिमम 2.5 एम्पियर करंट की ज़रूरत पड़ेगी। स्विच नंबर 1 को हम 2.5 एम्पियर पे सेट कर सकते हैं, जिससे एक 30 एएच की बैटरी आसानी से चार्ज हो जाएगी। 2.5 एम्पियर चार्जिंग करंट की सेटिंग आप डिप स्विच नंबर 1 की पोजीशन लेफ्ट में करके कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा बैकअप टाइम चाहिए तो आप एक 50 एएच की बैटरी ले सकते हैं। एक 50 एएच की बैटरी को चार्ज करने के लिए 5 एम्पियर की चार्जिंग करंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी सेटिंग आप डिप स्विच नंबर 2 की पोजीशन को लेफ्ट में करके कर सकते हैं। और ज़्यादा बैकअप टाइम के लिए अगर किसी को अपने घर में 120 एएच की बैटरी लगानी है तो 10 एम्पियर की चार्जिंग करंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो फाल्कन प्लस के डिप स्विच नंबर 3 के पोजीशन लेफ्ट में करके कर सकते हैं। और भी अधिक बैकअप टाइम के लिए 200 एएच की बैटरी आप फाल्कन प्लस के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसे चार्ज करने के लिए 15 एम्पियर की चार्जिंग करंट की ज़रूरत होती है, जिसकी सेटिंग आप फाल्कन प्लस के डिप स्विच नंबर 1, 2 और 3 को राइट में करके कर सकते हैं। फाल्कन प्लस में डिफ़ॉल्ट चार्जिंग करंट सेटिंग 15 एम्पियर पे सेट होती है। फाल्कन प्लस में ऐसी काफ़ी सारी फीचर्स हैं जिससे आप पैसों की बचत कर सकते हैं, और वेरिएबल चार्जिंग करंट सेटिंग का फीचर उनमें से एक है।